बड़े घर की बीटी हिस्सा दोम। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह दो मुर्गाबियां ली हुई आए और बाऊच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनके मुंतजर बीटी थी। गोश्त पकानी बीटी मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा ना था। बड़ी घर की बीटी किफायत शुआरी का सबक अभी अच्छी तरह ना पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी काने बेटे तो दाल में घी ना था, बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, इसी तरह भूखा इंसान, भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तंग आकर जल जाता है। लाल बिहारी सिंह को बाऊच की ये जुबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोले, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मेके की नंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वह इतना घी रोज नाई कोहार ले जाते हैं। लाल बहारी जल गया, ताली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जुबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया, बोली, वो होते तो आज उसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजट ठाकर से बर्दाश्त ना हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। कड़ाव उठाकर आनंदी की तरफ जोर से पेंगी, जिसकी गुमान पर गोली हुई हो उसी भी देखूंगा। पिंकी और बोला, जिसके गुमान पर गोली हुई हो उसी भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी हाथ से कड़ाव, आनंदी ने हाथ से कड़ाव रोकी, सर बच गया मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलती हुई पत्ती की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शोहर की जात से है, उसे शोहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। सरिगिंटा सिंह हर शंबा को अपने मकान आया करते थे। जुमरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने ना कुछ खाया ना पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्ब मामूल शाम के वक्त आए और दाहिर बैठकर मुल्की वोमाली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिले तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बे इंतहा इस्तराब के आलम में काटे। बारे काने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भाइया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जुबान संभाल कर बातचीत कर लिया करे, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बीनी माधु सिंह ने शहादत दी। बहु बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं के मर्दों की मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। सरकेंट, आखिर क्या बात हुई। लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। सरकेंट का पीकर आनंदी के पास गए। वो भी बड़ी हुई बेटी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है। सरकेंट बोले, बहुत अच्छा है,
ये आजकल तुमने घर में किया तूफान मचा रखा है। आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और जन जलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाओ तो मुंह जलस दू। सरिकेंट, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहो, किस्मत की खूबी है वरना एक गवार डोंडा जिसे चपरासगिरी करने की भी तामीज नहीं, मुझे कड़ाव से मार कर यू ना उकड़ता फिरता बूटिया नछुआ लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। सरिकेंट, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले बाई ने मुझसे गोश पकाने को कहा, घी पाव बरसे कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश में डाल दिया। जब काने बेटा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी पर मेरे मेके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। बोली, वहां इतना घी नाई का हार कहा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर कड़ाव पींक मारी, अगर मैं हाथ से ना रोक ली तो सर पट जाता। उससे पूछो मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ है। सरिकेंट की आंखें लाल हो गई, बोले, यहाँ तक नौबत पहुंच गई, ये लोंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है कि किनके आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोहन का काम करते हैं। सरिकेंट के मिजाज में तहम्मुल बहुत ज्यादा था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही ना था, मगर आनंदी के आंसू ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटे बदलते रहे, सवेरे होती ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए सरिकेंट सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारह आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो इसका मजाक का उड़ाते और कहते, तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने की बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। नासिख की जुबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। नासिख की जुबान उस वक्त तक चलती रहती जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश की पीच में आकर जब और हलम जो हिलमते रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधु सिंह घबरा कर उठ बैठी और बोली, क्यों। तो दोस्तों ये इसका दूसरा हिस्सा था, अगली वीडियो में हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज जो अफसाना हमने पढ़ा है उसके हवाले से आपको ज़रूर समझ आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।